हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 से। चैप्टर लिया हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिया है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ईच रूट ऑफ द इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसके रूट इज डिक्रीज्ड बाय 2। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पक्की बात 2 रूट होंगे, और अगर दोनों रूट को क्या कह रहा है, आप 2 डिक्रीज कर दीजिए, जिसकी वजह से होगा क्या, द रिजल्टिंग इक्वेशन इज, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया कि जब रूट रिड्यूस कर दिए जाएंगे 2, तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड सी। चलिए क्वेश्चन को बिल्कुल परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप करते हैं और आपको सिखाते जाते हैं और फाइनल आंसर लेके आते हैं। तो मैंने माना लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, इस इक्वेशन के रूट्स मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इससे एबीसी का वैल्यू निकाल लेते हैं। एबीसी मतलब, ध्यान से देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन का जर्नल फॉर्म लिखूं, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी इक्वल टू 0, तो इस कैपिटल एबीसी का वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखिए, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू माइनस छोटा बी, और कैपिटल सी का वैल्यू स्मॉल सी। इसका यूज क्या है अभी बताता हूं। क्योंकि मैंने अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट ही तो माने हैं, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं यहां से यूज कर लूंगा। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको चैप्टर का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है कि सम ऑफ द रूट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कैसे निकालते हैं, जर्नल फॉर्म क्या है, वहां से एबीसी का वैल्यू कैसे निकाले। अगर ये सारी चीजें आपको नहीं आती हैं, तो फिर क्वेश्चन समझना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो जो मैंने अल्फा और बीटा 2 रूट लेट लिए हैं, वहां से मैं सम ऑफ द रूट निकालना चाहता हूं, लेकिन सम ऑफ द रूट का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, और वो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी बाई ए। तो देखो जरा ध्यान से, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया, माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए, ए का वैल्यू 1। तो एक तरह से मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया, वो तो मेरे पास वैल्यू आ गया स्मॉल बी। इसी तरह से जैसे मैंने सम ऑफ द रूट निकाला, मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालता हूं, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालने का फॉर्मूला इसी तरह का क्या होता है, जैसे सम ऑफ द रूट का माइनस बी बाई होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट का सी बाई ए होता है। ये उन बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा जिनको इस चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट का वैल्यू क्या हो गया, देखिए सी कितना है, स्मॉल सी, और ए है 1। तो कह सकते हैं कि यहां पर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ गया, स्मॉल सी आ गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसके रूट को, अल्फा और बीटा को 2-2 रिड्यूस कर दिया जाए, है ना, कि डिक्रीज्ड बाय 2, मतलब जो रूट अल्फा था वो अल्फा माइनस 2 हो गया, और जो रूट बीटा था वो बीटा माइनस 2 हो गया, कि अगर दोनों रूट को रिड्यूस कर दिया जाए तो रिजल्टिंग इक्वेशन ये बन जाएगी। मतलब क्या बन जाएगी, चेक करिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। मतलब इस इक्वेशन के रूट को रिड्यूस करके बनने वाली इक्वेशन ये है। तो इस इक्वेशन के जो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आएंगे, और इससे जो सम और प्रोडक्ट आएगा वो भी तो मैच ही करेगा, क्योंकि ये दोनों रूट्स जो इक्वेशन बनाएंगे वो यही है आपके लिए। तो दोनों के सम और प्रोडक्ट फिर बराबर होंगे। तो चलिए पहले इससे सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से फिर देखो, ए का वैल्यू कितना आ गया 1, बी का वैल्यू माइनस 2, और सी का वैल्यू 1। तो अब अगर रूट्स हमारे ये हैं, तो एक बार इनका सम करते हैं, माइनस बी बाई ए के बराबर, प्रोडक्ट करते हैं और सी बाई ए के बराबर। तो चलो पहले सम करते हैं। तो चलिए इन दोनों रूट को लेते हैं और सम करते हैं। तो अल्फा माइनस 2 प्लस बीटा माइनस 2, और ये वाला जो सम ऑफ द रूट है वो किसके बराबर है, वही सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला तो सेम है, माइनस बी बाई ए, लेकिन इक्वेशन इस बार ये हो जाएगी, इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो ये कितना होगा, देखो, अल्फा प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का माइनस 2 अपॉन 1, मतलब 2। तो यहां से चेक करो, अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 का वैल्यू कितना आ गया, 2, माइनस 4 इधर चला जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 2 प्लस 4, और अल्फा प्लस बीटा आ गया मेरे पास
6, ठीक है। उसी तरह से जैसे मैंने सम निकाला ऐसे ही प्रोडक्ट निकालता हूं, तो अल्फा माइनस टू इंटू बीटा माइनस टू, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का वैसे फॉर्मूला होता क्या है, सी बाई ए, लेकिन इक्वेशन इस बार ये है तो यहां से भी सी बाई ए ले लेते हैं, तो सी बाई ए, तो वन अपॉन वन वन ही आ गया, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा माइनस टू अल्फा माइनस टू बीटा प्लस का फोर इज इक्वल टू वन, अल्फा इंटू बीटा माइनस टू कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस फोर इज इक्वल टू वन। इसके बाद का स्टेप देखिए, तो अल्फा इंटू बीटा माइनस का टू, अब अल्फा प्लस बीटा का तो वैल्यू पहले मैं सिक्स निकाल चुका हूं, ले लीजिए सिक्स पुट किया, फिर प्लस का फोर इज इक्वल टू वन, ये कितना आ गया, अल्फा बीटा माइनस ट्वेल्व प्लस फोर इज इक्वल टू वन, इन दोनों को उधर ले जाइए जिससे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ जाए, तो वन प्लस ट्वेल्व माइनस फोर थर्टीन माइनस फोर, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया नाइन। लेकिन जरा ये वाला पार्ट देखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा तो बी है, अल्फा प्लस बीटा सिक्स है, तो कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा और ये वाला अल्फा प्लस बीटा है तो सेम ही, तो यहां पर बी का वैल्यू कितना आ गया, हमारे पास बी का वैल्यू आया सिक्स। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा तो सी है, लेकिन अल्फा इंटू बीटा तो नाइन आया मेरा, तो यहां पर फिर इसे कंपेयर कर लिया, तो सी का वैल्यू क्या आ गया, नाइन आ गया। फिर समझ लीजिए इस बात को कि अल्फा प्लस बीटा मैं बी निकाल चुका हूं, अल्फा प्लस बीटा छ आया है, तो बी कितना हो गया छ, अल्फा इंटू बीटा सी निकाल चुका हूं, अल्फा इंटू बीटा नाइन है, तो फिर कंपेयर करने पर सी का वैल्यू क्या आ गया नाइन, तो लास्ट में देयरफॉर डालते हैं, देयरफॉर बी का वैल्यू आया मेरे पास सिक्स और सी का वैल्यू आया मेरे पास नाइन। ये लीजिए हो गया क्वेश्चन का कंसेप्ट, क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।